हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना और आइए आज हम सेलिब्रेट करते हैं अपना स्वतंत्रता दिवस। तो चलिए बनाते हैं तिरंगा बहुत ही टेस्टी सा। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें ले लिया है एक चम्मच देसी घी और ये है ऑरेंज वाली गाजर जिसको मैंने घिस लिया है। 2 से 3 गाजरें ली हैं और इसको हम इस घी में थोड़ी देर तक 15-20 मिनट तक भून लेंगे और भूनने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा दूध और दूध डालने के बाद फिर से इसको 15 मिनट पकाएंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगी। और बस अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। जी हाँ, मिल्क पाउडर मैंने 2-3 चम्मच ले लिया है और इसको इसमें ऐड कर दिया है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी चीनी, 2 चम्मच चीनी मैंने ली है, 2 चम्मच चीनी ऐड की है। साथ में ही ऐड कर दिया है इसमें थोड़ी सी इलायची और अब चीनी को मेल्ट होने तक इसको पका लेंगे और अब ठंडा करके इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये मिक्सर रेडी हो चुका है और ये देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलिए अब हम बना लेते हैं खोया। तो खोया तो हम आपके संग बहुत बार बना चुके हैं और बहुत सारे वीडियोज में मैंने आपको खोया बनाना बताया। बस एक पैन में ऑयल ऐड करना है, उसमें दूध ऐड करना है और दूध की डबल क्वांटिटी या थोड़ी सा ज्यादा आप मिल्क पाउडर ऐड कीजिए, उसको पकाते जाइए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा धीरे धीरे वो और बन जाएगा आपका खोया। तो ये खोया बन गया है, उसको ठंडा कर लेंगे। फिर एक और पैन में मैंने दूध रख लिया और ये वर्मिसली जो होती है ना सेमिया, वो बना रही हूँ मैं। उसको हमने दूध में डाल दिया है, पका लिया है। बस इसके बाद इसमें इलायची और चीनी ऐड कर देंगे और तैयार हो जाएगी हमारी वर्मिसली। बिल्कुल खीर जैसी बनती है, बहुत टेस्टी सी, थोड़ा सा डार्क बना रही हूँ मैं इसको। हमारी तीनों चीजें रेडी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ये खोया और इसमें डाल दिया है ग्रीन फूड कलर और फूड कलर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारी सबसे नीचे वाली लेयर रेडी हो जाएगी, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही सुंदर सा कलर आ जाएगा इसमें। और ग्रीन कलर तो वैसे भी प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है हमारे तिरंगे में, जहाँ संपन्नता का प्रतीक है ये कलर, कितना सुंदर और कितना अच्छा लगता है। तो चलिए अब इसको हम अपने ग्लास में अरेंज कर लेते हैं। ग्लास में अरेंज करने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है इन तीनों कलर्स को जो हमने बनाए हैं। और देखिए ये सेमिया है, ये गाजर वाला मिक्सचर था और साथ में खोया। और बस अब ग्लास में अरेंज करते हैं जल्दी से। तो मैंने ये ले लिया है ग्लास और सबसे नीचे मैं ग्रीन लेयर इसमें सेट कर रही हूँ। और देखिए इसको मैंने थोड़ा सा स्पून से प्रेस किया है और ये देखने में बहुत ही प्यारा कलर आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बस इस तरह से इसको मैंने अरेंज कर दिया है। इसके बाद हम व्हाइट लेयर अपनी अरेंज करते हैं, सेमिया हमने बनाई थी उसको इसमें हम इस तरह से डाल के बहुत ही अच्छे से इसको हम सेट कर देंगे। इसके ऊपर हम ऑरेंज लेयर अब अपनी सेट करेंगे और ये पूरा रेडी होने के बाद इसको कुछ देर के लिए आप फ्रिज में रख दें, फ्रिज में ठंडा करें और ऊपर से थोड़ा सा ठंडा दूध डाल के इसको खाएं तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो इस बार इस स्वीट डिश के साथ सेलिब्रेट कीजिए अपना इंडिपेंडेंस डे, बनाइए ये रेसिपी जो बहुत ही अमेजिंग सी बनती है और मेरे साथ जरूर कॉमेंट करके शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आपने ट्राई की तो कैसा बना ये आपका। लास्ट में मैंने इसको कुछ ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दिया और ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में, आपका भी मन कर रहा है खाने का ना, तो बनाइए और खाइए ये तिरंगा ग्लास जो बहुत ही टेस्टी सा बना है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।